पेंशन की टेंशन जल्द कैसे खत्म होगी, रेल टिकट बुक करने पर कैसे मिलेगा रिवॉर्ड, और गोल्ड की कीमतों में क्यों आई गिरावट, और कितने शहरों में तेजी के साथ बढ़े इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग आयात निर्यात और कारोबार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आप देखिए मनी नाइन। ईपीएफओ संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपए से अधिक का मूल वेतन पाने वाले और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना पर विचार कर रहा है। जल्द नई पेंशन योजना को मंजूरी मिल सकती है। आरसीटीसी ने एनपीसीआई और बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड से आईआरसीटीसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक करने पर प्रत्येक 100 रुपए पर 40 रिचार्ज पॉइंट्स मिलेंगे। 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने पर इस हफ्ते फैसला हो सकता है। अधिकारियों की एक अंतर मंत्रालय समिति नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से बैन हटाने के लिए इस हफ्ते बैठक करेगी। फैसला करते वक्त कोविड के हालातों का ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली मुंबई समेत 9 प्रमुख शहरों में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बीते 4 महीने में तेजी से बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़े शहरों में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। विश्व बाजारों में बिकवाली के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 212 रुपए टूटकर 49,827 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 480 रुपए के नुकसान के साथ 63,329 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। ICICI सिक्योरिटीज के मुताबिक भारतीय उपभोक्ता क्रेडिट कार्ड से हर महीने औसत 76,000 करोड़ रुपए की शॉपिंग करते हैं। त्योहारी सीजन में यह खर्च और भी बढ़ जाता है। मनी नाइन की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @MoneyNineLive को फॉलो करें, तो मनी नाइन के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।